आदित्य नारायण अपनी शादी को लेकर एक बार फिर से न्यूज में बने हुए हैं। नेहा कक्कर और काजल अग्रवाल के बाद अभी आदित्य नारायण के बीच शादी की फेस्टिविटी शुरू हो गए हैं। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल 1 दिसंबर को मंदिर में करीबी रिश्तेदारों और 50 लोगों के साथ शादी करने वाले हैं। आदित्य नारायण की शुक्रवार 27 दिसंबर को तिलक सेरेमनी हुई और इस सेलिब्रेशन की कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे फैन पेज पे पोस्ट किए गए। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की तिलक सेरेमनी की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें आदित्य नारायण डार्क ब्लू कलर के कुर्ते में नजर आए। वहीं श्वेता अग्रवाल की बात करें तो वो ऑरेंज कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखाई दी। इस फोटो में आदित्य और श्वेता बहुत ही खुश दिखाई दिए और ये कपल एक साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था। साथ में आदित्य के पेरेंट्स उदित नारायण और दीपा नारायण भी दोनों को आशीर्वाद देते हुए नजर आए। शादी के बाद 2 दिसंबर को ये कपल का रिसेप्शन भी होने वाला है और ये फेस्टिविटीज में कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को भी इन्विटेशन भेजा हुआ है और ये बात का खुलासा खुद उदित नारायण ने भी किया है। 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद श्वेता अग्रवाल और आदित्य नारायण अभी शादी करने जा रहे हैं। इससे पहले भी श्वेता अग्रवाल और आदित्य नारायण की रोका सेरेमनी की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। आगे भी आदित्य नारायण ने बताया था कि हम शादी कर रहे हैं, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब लड़का हूँ कि श्वेता मुझे मिली और हम फाइनली दिसंबर के महीने में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। श्वेता अग्रवाल और आदित्य नारायण एक दूसरे को 2010 में आई सापित मूवी से जानते हैं। इससे पहले आदित्य नारायण और नेहा कक्कर के रिलेशनशिप के भी बारे में चर्चा हो रही थी, बट नेहा कक्कर ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट करके इस खबर को खारिज कर दिया। अगर आप ऑनलाइन खरीदी करते हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करके जरूर शॉपिंग कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।